Hi, welcome back. So now let's talk about the 16th group elements and 16th group elements के कुछ इनिशियल मेंबर्स हैं जिनको हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं. चैल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन और सल्फर जैसे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द their general introduction, their occurrence and their electronic configurations, right. So first thing is what are the group member? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, right. In sab elements mein se jo polonium hai, this is a radioactive element, okay. And the last element of the group, right, this is also radioactive element. The first four elements, that is oxygen, sulfur, selenium and tellurium, they are called as chalcogen. Chalcogen का मतलब होता है ore forming elements. आपको पता है कि जो most of the metals है, जो भी most of the ores है, right, they are found in the form of their oxides or sulfides, right. तो सल्फर कंपाउंड की फॉर्म में या ऑक्सीजन कंपाउंड की फॉर्म में हमें मैक्सिमम ओर्स मिलते हैं, इसलिए हमने कहा ओर फॉर्मिंग एलिमेंट. दे आर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, सो दे आर द पार्ट ऑफ द 16th ग्रुप. अक्रेंस, जनरल पॉइंट्स हैं, नथिंग मच टू अंडरस्टैंड. थोड़े से कुछ फैक्ट्स यहां याद रखने हैं. ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, राइट. अर्थ की क्रस्ट में, राइट, इन द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ हाईएस्ट प्रपोर्शन में मिलने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है. मतलब आउट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकेला ऑक्सीजन ही नियरली 45 to 47% है, राइट. कैन यू इमेजिन, हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 90 है, ठीक है. 90 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से, राइट, हमारे पास अकेला ऑक्सीजन 45% है और बाकी के 45% में आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, राइट. इसमें भी अगर आप सिलिकन और आयरन को इंक्लूड कर लेते हो, सिलिकन आयरन एल्यूमिनियम को इंक्लूड कर लेते हो, तो नियरली ये चार एलिमेंट मिला के मोर देन 95% हो जाते हैं. तो बाकी के 5% में हमारे रेस्ट ऑफ द 86 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, राइट. ऑक्सीजन मेक्स नियरली 21% ऑफ द एयर बाय मास, बाय वॉल्यूम, एंड 23% बाय द मास ऑफ द एयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑक्सीजन. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट. ऑक्सीजन मेक्स नियरली 46.6% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वेर एज सल्फर इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. अकरेंस की टेबल में सल्फर 16th नंबर पे आता है, राइट, नियरली 0.034%. परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, ऑक्सीजन का परसेंटेज आप याद रख सकते हैं, नियरली 47%, बिकॉज ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, राइट. अदर थिंग इज ऑक्सीजन एंड सल्फर अकर वाइडली इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स. पोलोनियम एंड लिवरमोरियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जैसे मैंने बताया लास्ट के दो एलिमेंट वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 16 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2, NP4. दे आर शॉर्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑक्टेट, राइट. सो ऑक्सीजन, हीलियम 2s2 2p4, आफ्टर दैट सल्फर, नियॉन 3s2 3p4. तो आउटर शेल में क्या आ रहा है? S2 P4. अब देखो 3p और यहां पे आ गया 3d0. तो नोटिस करके रखो, यहां पे ऑक्सीजन में डज नॉट हैव 3d ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल, डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल. आउटर शेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता है. अब आउटर शेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? जितने ऑर्बिटल अवेलेबल है उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बन पाएंगे,
कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है? तीन ऑर्बिटल पी के और एक ऑर्बिटल एस का, चार ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसका मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी हो जाएगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी विल बी फोर। और ये रूल सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स के ऊपर प्रिसाइसली एप्लीकेबल होता है। ओके, नाउ यहां पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ये एक्साइटेड स्टेट एक्वायर करके अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट करके इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज तो कोवेलेंसी विल ऑल्सो एक्सपैंड। ओके, सो सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी, मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज सिक्स बाय द एक्साइटेड स्टेट कंसेप्ट। ओके, पी के इलेक्ट्रॉन एस डी में चले गए, ठीक है, और फिर एस का इलेक्ट्रॉन भी डी में चला गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी कैन बी अप टू सिक्स। लेकिन अगर आप देखते हो ऑक्सीजन को तो उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा, फोर। एक चीज और नोटिस करो, यहां इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, आउटर डी तो है, इनर डी नहीं है। नाउ सेलिनियम, सेलिनियम में इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस बात को हम बहुत 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 बार, कम से कम 100 टाइम्स रिपीट कर चुके हैं कि हमारे पास जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, राइट, आप फिर से रिनोट कर लो, इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन एक्सपेक्टेड। इसकी वजह से कुछ एक्सेप्शंस अराइज होते हैं लेकिन मेनली वो एक्सेप्शंस 13 ग्रुप और 14 ग्रुप में होते हैं। 15, 16 ग्रुप तक आते आते ये वाला इफेक्ट बहुत कम रह जाता है। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एस के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। एस के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो आपके पास रह जाएंगे चार इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बन जाएगी प्लस फोर। ओके, दो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएंगी क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ टेल्यूरियम 3d10 4s2 5s2 5p4 एंड पोलोनियम ज़ेनॉन 4f14 5d10 6s2। यहां पे पोलोनियम का कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, s2p4, ठीक है। नाउ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो नंबर वन पे कौन है, ऑक्सीजन, नंबर टू पे कौन है, सिलिकन। ओके, नेक्स्ट द 16 ग्रुप एलिमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, फॉस्फोरस 15 ग्रुप का है, आर्सेनिक 15 ग्रुप है, पोलोनियम इज फ्रॉम 16 ग्रुप। द कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द 16 ग्रुप इज, तो 16 ग्रुप का कॉन्फिग्रेशन है NS2NP4, right? So that will be the configuration of the 16 group elements. Physical properties of the 16 group elements part 1. इसमें mainly हम periodic properties का discussion करेंगे. Okay? So physical state, oxygen is a gas while the other elements are solid. So 16 group में हमारे पास है oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. राइट, तो फर्स्ट एलिमेंट गैस है, बाकी के एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है। बिकॉज देखो एक्चुअली क्या होता है, आप थोड़ा सा लॉजिक समझो, ऑक्सीजन गैस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन में एक डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों बनता है, क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 2p दूसरे ऑक्सीजन के 2p से छोटे p ऑर्बिटल्स, समझो ध्यान से लॉजिक को। ऐसा सल्फर में क्यों नहीं होता,
सल्फर में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए 3p और 3p का साइड बाय साइड ओवरलैप करना पड़ेगा, और यहां पे हमें 2p और 2p का साइड बाय साइड ओवरलैप करना पड़ेगा। तो जब p का साइड बाय साइड ओवरलैप होगा 2p का, तो छोटा शेल है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये बड़ा शेल है अट्रैक्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड इज वेरी वीक, पाई बॉन्ड इज वीक। सो एस टू कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट। तो फिर क्या करते हैं, सल्फर के फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और ऐसा क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनता है। इसमें 8 सल्फर एटम्स प्रेजेंट है। अगर ध्यान से देखो तो ईच सल्फर इज अटैच्ड टू 2 अदर सल्फर फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, 8 एटम्स का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, 8 एटम्स का एक मॉलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वैंडरवाल फोर्स विल बी हाई, वैंडरवाल फोर्स इज हाई तो फिजिकल स्टेट विल बी सॉलिड, गॉट इट। तो ऑक्सीजन गैस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का डायटमिक मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन का डायटमिक मॉलिक्यूल क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2p और 2p की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। सल्फर में s2 मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, क्योंकि सल्फर या उसके नीचे वाले मेंबर्स, हैवियर मेंबर्स, उनमें पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, क्योंकि बड़े p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सो दे डू नॉट फॉर्म द स्मॉलर मॉलिक्यूल, आइदर दे फॉर्म द बिग मॉलिक्यूल और दे फॉर्म द क्रिस्टल, जैसे पोलोनियम का क्रिस्टल होता है, टेल्यूरियम का क्रिस्टल होता है, राइट। तो क्रिस्टल होगा तो सॉलिड होगा, गॉट इट। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक डिस्कशन जो मैंने किया दैट्स इनफ फॉर एग्जाम। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एग्जिस्ट एज द पकर्ड स्ट्रक्चर, 8 एटम्स। देखो ऐसा नहीं है कि 8 है तो हमारे पास कुछ ऐसा प्लेनर बेंजीन रिंग जैसा रिंग बन जाएगा, ठीक है, कि जैसे 6 का प्लेनर रिंग बनता है वैसे 8 का प्लेनर रिंग नहीं बनेगा। इस तरह से 3 डायमेंशनल पकर्ड स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें बॉन्ड एंगल विल बी वेरी नियर टू द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ sp3, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड स्ट्रांग है जबकि सल्फर का पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। सल्फर में पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ईच सल्फर इज फॉर्मिंग द ओनली सिग्मा बॉन्ड, इट इज नॉट फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। एंगल मैंने आपको बताया था इट्स वेरी नियर, क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एक्सपेक्टेड एंगल होगा 109, लेकिन सल्फर के ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो एंगल थोड़ा कम हो जाता है, एंड इट इज 105 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। S6 मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट दैट इज लेस स्टेबल। द मोर स्टेबल फॉर्म इज द S8 मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फर। द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज द S8 एटम्स इन द रिंग इज ग्रेटेस्ट विद द सल्फर एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इससे ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम जाएंगे तो S8 में एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम हो जाता है। स्पेशल एबिलिटी ऑफ द 8 मेंबर रिंग इन द सल्फर इज ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर एंड प्रेजेंस ऑफ द, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होना चाहिए, 109 के आसपास, लेकिन एंगल कितना है, 105। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर सल्फर, राइट। Above 1000 degree Celsius, not under standard condition, not at room temperature, above 1000 degree Celsius temperature, S2 molecule exist कर सकता है, जिसका structure oxygen की तरह होता है, right? But that will exist only at very high temperature conditions. Metallic and non-metallic character, right? तो जो हमारे पास first 2 member है, they are purely non-metals. Selenium and tellurium are metalloids. और जो polonium है हमारे पास वो radioactive metal है. Livermorium भी एक radioactive metal है. Okay, तो first 2 are non-metal.
नेक्स्ट टू आर मेटलॉइड एंड लास्ट टू जिसमें लिवरमोरियम को अटैच नहीं करोगे तो पोलोनियम. अदरवाइज लास्ट टू पोलोनियम एंड लिवरमोरियम दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल्स. अगर हम जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? यहाँ एक्सेप्शन ज्यादा नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है. डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16, राइट, सेलिनियम का 34. सो दैट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो एटॉमिक नंबर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. एटम की साइज मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट. डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, सो साइज विल मेनली डिपेंड ऑन एन. और डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ग्रुप में हाईएस्ट होती है 3.5 और ये होती है सेकेंड हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल. पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी ऑक्सीजन में सेकेंड हाईएस्ट होता है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. एटॉमिक रेडियस जो होती है 16 ग्रुप की, वो 15 ग्रुप से कम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि 15 ग्रुप से 16 ग्रुप जाएंगे, 15 से 16 ग्रुप जाओगे तो n क्या रहेगा? सेम. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम रहेगा लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 0.65. स्लेटर्स रूल में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो पूरे एक प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक नहीं पहुंच पाता. पूरे एक प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच पाता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया वो थोड़ा रिपल्शन क्रिएट करता है. अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो एक प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर नहीं पहुंचेगा, उसका 65% इफेक्ट ही बाहर पहुंच पाएगा. लेकिन बाहर पहुंच तो रहा है, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ तो रही है. अब अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? साइज कम हो जाएगा. तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द 16 ग्रुप आर रिलेटिवली लो. अब ये देखो थोड़ा सा ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. अब लॉजिक समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to size and directly proportional to effective nuclear charge. 15 group to 16 group. 15 group to 16 group effective nuclear charge badhega, no doubt about it. 0.65 se badhega, nucleus ki attraction power badhegi, size kam hogi. So, ionization enthalpy of 15 group should be less than 16 group. Expected.
but actual is 15th group is more than 16th group. Why? 16th group का साइज छोटा है. 16th group के पास 15th group के कंपैरिजन में प्रोटॉन भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो ज्यादा ही होगा. अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, सो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी मोर. लेकिन 16 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी 15 ग्रुप से कम है. क्यों? उसका सिंपल रीजन और लॉजिक लगाओ. उसका सिंपल रीजन और लॉजिक एक ही है, वो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ऑफ 15 ग्रुप. 15 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP4. तो यहां पे क्या हो गया? हाफ फिल्ड. हम कह सकते हैं एक्चुअली होना चाहिए था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 16 शुड बी मोर देन 15, बट एक्चुअली द 15 इज मोर. 16 का साइज बड़ा है, सॉरी छोटा है, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा है, अट्रैक्शन बाय प्रोटॉन, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस भी ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है. क्यों? ये रीजनिंग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है. आंसर इसका बहुत छोटा है, बिकॉज 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ऑफ पी ऑर्बिटल्स. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होती है. इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. होना यह चाहिए कि ऑक्सीजन का साइज सल्फर से कम है तो ऑक्सीजन में अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर. सो एक्सपेक्टेड क्या होगा? एक्सपेक्टेड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मोर देन सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन साइज में छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज भी करेगा. एज सिंपल एज दिस. लेकिन ऐसा होता नहीं है. लेकिन रियलिटी में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर. और रीजन क्या है? जिस रीजन को आप सपोर्टिव रीजन मान रहे थे, आप ये मान रहे थे कि ऑक्सीजन छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. दैट्स ट्रू, करेक्ट, आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन सही था. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी स्मॉल एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हाई रिपल्शन और जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उतनी रिलीज नहीं हो पाती है. राइट? जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस तो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दूं. तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करना भी चाहता है लेकिन जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसमें से बहुत सारी एनर्जी अपने घर वालों को मैनेज करने में चली जाती है. घर वालों का मतलब जो ऑलरेडी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए इलेक्ट्रॉन को आने से रोकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा छोटा है. तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होता है बट एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन भी ज्यादा होता है तो वो नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से रोकते हैं और उस रिपल्शन को ओवरकम करने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है. तो एक्चुअली जितना रिलीज होना चाहिए उतना रिलीज नहीं हो पाता है. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होती है और उसके बाद डाउन द ग्रुप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही होता है.
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आप हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन 15th ग्रुप, 16th ग्रुप एंड 17th ग्रुप, इन तीन ग्रुप्स में सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, सल्फर, सेलेनियम, सॉरी फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरिन, एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है दिस सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, थर्ड पीरियड की कम होगी, क्योंकि थर्ड पीरियड बड़ा है। लेकिन रियलिटी में ऑर्डर इसका ऑपोजिट आता है, रियलिटी में ये ऑर्डर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप लिख सकते हो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन, रिपल्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस देन एक्सपेक्टेड। Electron gain enthalpy becomes less than expected. Now, decreasing order of the atomic radius of the 16th group is, so top to bottom size will increase. So decreasing order आएगा bottom to top size कम हो जाएगी. Oxygen required more ionization energy than nitrogen, sulfur, chlorine and phosphorus. ये देखो. ऑक्सीजन रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन जो है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? 15th ग्रुप का मेंबर है, और अभी हमने एक्सेप्शन में देखा था 15th ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी 16 से ज्यादा होती है। क्लोरीन ये तो 17th ग्रुप का मेंबर है, और लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है? 16, 15 एंड 17। इसमें 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गई ड्यू टू NP3 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ओके, ये भी 15 ग्रुप का मेंबर है, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इस क्वेश्चन में आपको ये दो एलिमेंट देख के कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि तो आपको ये लगेगा, अगर आपने एक्सेप्शन को ध्यान नहीं दिया है तो आपको क्या लगेगा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब 15th के कंपैरिजन में 16th ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली 15th की आयोनाइजेशन एनर्जी 16th से ज्यादा है। व्हाई? ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू, सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ऑक्सीजन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 3.5। उसके बाद शार्प डिक्रीज होता है, सल्फर का होता है नियरली 2.5। ओके, सेलेनियम ऑलमोस्ट सेम है 2.48, और टेल्यूरियम का बहुत कम है 2.1। ओके, सो दैट्स अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतना भी याद रखोगे तो काम चलेगा। दो पॉइंट, सेकेंड हाइएस्ट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये दो वैल्यूज भी याद रखना,
कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये आपसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन कई जगह पे हमें एक्सप्लेन करने में, जैसे H2O लिक्विड है लेकिन H2S गैस है, ऐसा क्यों है जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, हैवी है फिर भी गैस है, लाइट है फिर भी लिक्विड है, क्यों? तो उन सब की जगह पे हमें काम आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। ओके, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज, न्यूक्लियस साइज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल इंक्रीज, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो यहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज ग्रेजुअली विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, बट पोलोनियम हैज लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन टेल्यूरियम। ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेल्यूरियम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली बढ़ते हैं, लेकिन पोलोनियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम होता है, बिकॉज पोलोनियम की साइज एक्सपेक्टेशन से छोटी है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ड्यू टू द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसका रिजल्ट ये होता है कि छोटा है तो वैंडरवाल फोर्स वीक हो जाते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, यहां तक लर्न करने का कुछ भी नहीं है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, एक्सेप्शन किसमें है? पोलोनियम में, ठीक है, ओनली दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो कार्बन के बाद वेरी हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है सल्फर की, सल्फर कैन ऑल्सो कंबाइन विद इटसेल्फ। ऑक्सीजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत कम है, राइट, बट फिर भी टू सम एक्सटेंट ऑक्सीजन एटम्स कैन कंबाइन, जैसे O3 बन सकता है, या पेरोक्साइड कंपाउंड्स में दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन पॉलीसल्फाइड्स बहुत कॉमन है, राइट, जिनमें मल्टीपल सल्फर एटम्स, जैसे S8 मॉलिक्यूल है, देयर आर 8 सल्फर एटम्स आर जॉइंट टुगेदर, तो ऑब्वियसली सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से ज्यादा है, राइट। एलोट्रॉपी, पूरे 16 ग्रुप में एलोट्रॉप्स मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है तो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप डाई ऑक्सीजन एंड O3 दोनों फॉर्म में मिलता है, दोनों एटॉमिक फॉर्म है, दोनों एलिमेंटल फॉर्म है, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, एक में दो एटम है, एक में तीन एटम है, सेम एटम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन एक जगह दो एक जगह तीन, तो हम कहेंगे दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द ऑक्सीजन। सल्फर के रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दो बहुत कॉमन एलोट्रॉप्स है, और हमेशा याद रखना रोम्बिक सल्फर इज अ स्टैंडर्ड स्टेट, रोम्बिक सल्फर इज मोस्ट स्टेबल स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। सेलेनियम रेड एंड नॉन मेटेलिक, ग्रे एंड मेटेलिक सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस दो फॉर्म होती है, पोलोनियम की अल्फा एंड बीटा दो नो मेटेलिक फॉर्म्स होती है। एज यू नो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, यहां पे जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन है या ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन है उनके इफेक्ट यहां तक आते आते खत्म हो जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द 16th ग्रुप इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा होता मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 16th ग्रुप, तो दैट विल बी सल्फर, ऑक्सीजन की कम हो जाती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, ड्यू टू हायर रिपल्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वी हैव कंप्लीटेड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, अ लॉट ऑफ जनरल थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी न्यू फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन, सब लॉजिक्स आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए थे, वी आर जस्ट ब्रशिंग अप द लॉजिक्स, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स।